सो गणेश जी के अपडेट्स तो मैं आपको देते ही जा रहा हूँ, लेकिन हमारे जबलपुर शहर में नवरात्रि जो हमारा त्यौहार होता है वो सबसे बड़ा त्यौहार होता है, और नवरात्रि भी साथ में तैयारियाँ होती रहती हैं। अभी मैं बबलू भैया के पंडाल पे हूँ, जो मेरा मोस्ट फेवरेट पंडाल होता है जबलपुर शहर में, और अंदर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दमोह की महारानी, जिनको दमोह की महाकाली कहते हैं। वो यहीं से जाती हैं, दमोह हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे यहाँ से महाकाली बन के जाती हैं जो बबलू भैया बनाते हैं। इस साल जो चेहरा आया है, जो चेहरा बनाया बबलू भैया ने, वो बहुत अलग लेवल पर बनाया, बहुत बहुत सुंदर चेहरा बनाया। मैं आपको बहुत अच्छे से अगर बताऊं तो अंदर लेके चलता हूं और पंडाल में आपको दिखाता हूं। और एक और खास बात इस पंडाल की कि इस साल जबलपुर में इस पंडाल में सबसे ज़्यादा महाकाली बन रही है, इतनी महाकाली और किसी पंडाल में नहीं है। तो अंदर की दुनिया बिल्कुल ही अलग है। मैं अंदर लेके चलता हूं और सारी तैयारी आपको बता दूं कि माता जी कितनी बन गई और उनका एग्जैक्ट चेहरा कैसा आया। ठीक है, ये हैं दमोह की महारानी जो इस साल बन रही है। हर साल वैसे बबलू भैया के पास ही बनती हैं, लेकिन इस साल इनके चेहरे में थोड़ा सा चेंज है। बड़ी महाकाली का जो हमारे जबलपुर में स्टैंडर्ड चेहरा होता है ना, वैसा इनका चेहरा बन रहा है, और आप देख सकते हो काफ़ी क्लोज बना लिया है बबलू भैया ने। बड़ी महाकाली का चेहरा जो रहता है ना, बहुत क्लोज बनाया है बबलू भैया ने, बहुत सुंदर आकार आने वाला है माता रानी का। और यहाँ पे आपको पता है कि जबलपुर में इस साल बबलू भैया के पंडाल में सबसे ज़्यादा महाकाली बन रही है, तो इस साल ना बिल्कुल जगह नहीं है। यहाँ रखी हुई हैं, ये रखी हुई हैं, इनके पीछे शक्तिनगर वाली रखी हैं, वहाँ पे रखी हुई हैं, तो क्या है खड़े होने की ज़्यादा अच्छी जगह है नहीं, तो मैं प्रॉपर एक पूरा आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा सा पीछे जाके दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो सामने वाली हैं, ये हैं दमोह की महारानी। बहुत खूबसूरत मूर्ति आ रही है, काम हो चुका है, अब फाइनल टचअप्स की तैयारी हो रही है, क्योंकि अभी तो गणेश जी आ रहे हैं ना, तो अभी धीरे धीरे काम चल रहा है। लेकिन फिर भी बबलू भैया जो है वो समय के बहुत पहले चल रहे हैं, सारी मूर्तियाँ उन्होंने तैयार कर ली हैं। वाइट वॉश भी देखो आपके सामने ही हो रहा है, अभी चेहरे पे काम हो रहा है, और बहुत खूबसूरत चेहरा बन रहा है भाई इनका, बहुत ही खूबसूरत चेहरा बन रहा है। जब इनमें कलर होगा और उसके बाद जब आपको ब्लॉग मिलेगा, जब अपडेट ब्लॉग मिलेगा, वो आपको भाई मज़ा आएगा उस ब्लॉग में आपको। चेहरा मैं अभी आपको थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ, कैमरे को पास ले जाके। ये आप हाथ देखो माता रानी का, थोड़ा नीचे से यहाँ से ये देखो कितना सही, इस पे खप्पर पकड़ेंगी वो, है ना। और ये वाली मैया रानी के शंकर जी भी रेडी हो गए हैं, बस वाइट वॉश होना बाकी, पुट्टिया काम होना बाकी। बाकी अभी मैं शंकर जी का चेहरा उस तरफ जाके दिखाऊंगा, ये बीच में भैया हैं काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं, एक महाकाली ये रखी हुई हैं, है ना, इनका भी आप चेहरा देख सकते हो। इनके जस्ट पीछे जो रखी हैं वो शक्तिनगर की महाकाली रखी हैं, वहाँ पे दो महाकाली, तीन वहाँ रखी हैं, एक वो सामने दिख रही हैं आपको, वो रखी हुई हैं, एक रखी हैं ये। भाई इस साल बहुत मज़ेदार माहौल होने वाला है बबलू भैया के पंडाल में, जो कि हो ही रहा है, देख सकते हो आप इनकी कला को देख सकते हो। ये हाथ से उतारा हुआ चेहरा है, इसकी कोई डाई नहीं, इन्होंने हाथ से बनाया है। अभी चेहरे में आँखों पर काम हो रहा है, जो आईब्रोज होती है ना, भौं जिनको बोलते हैं, उस पर काम हो रहा है, उसमें फिनिशिंग का काम हो रहा है, ये पूरा पुट्टी का काम हो रहा है। थोड़ा और क्लोज से दिखाता हूँ मैं आपको। ये हैं शंकर जी, देखो कितना कितना स्माइलिंग फेस है, आराम से लेटे हुए हैं। और यहाँ पे अभी दांत बनने का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो रहा है। यह है साइड व्यू माता जी का, जो माता जी ऐसी दिखेंगी साइड से,
बेहद खूबसूरत मूर्ति, मेरा मन आ गया भाई। और मुझे पता है बबलू भैया बहुत बहुत सुंदर महाकालियाँ बनाते हैं, बहुत प्यारा चेहरा होता है, चंचल चेहरा जिसको हम बोलते हैं। तो किसी भी महाकाली को आप देखोगे ना, मैं जब आपको रेगुलर अपडेट्स दूंगा, आप किसी भी महाकाली को देखोगे तो उनके जो चेहरे रहते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। ये एक साइड व्यू मुझे आपको दिखाना था, और अभी इनमें चौक मिट्टी वगैरह काम पूरा प्रॉपर बाकी है, अभी सिर्फ चेहरा रेडी हुआ है, वो भी अभी प्रॉपर रेडी नहीं हुआ, चेहरे पे भी बहुत सारा काम बाकी है। सो ये है एक अपडेट ब्लॉग नवरात्रि ब्लॉग को लेके, जबलपुर में जो हमारे यहाँ जबलपुर नवरात्रि होती है, दमों की महारानी का जो मेरे पीछे ही है, जिनका पूरा मैंने आपको प्रोसेस बताया कि वो अभी कितनी बन गई हैं और कैसी लग रही हैं। आपको कैसी लगी ये माता रानी देख के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर ऑफ सेल्फ और चिल वाइब्स के साथ जीते रहिए। बाय बाय।